सो हे गाइस, नितीश हियर, वेलकम बैक टू द चैनल। और यार आज सुबह सुबह हम सब निकल रहे हैं वापसी की जर्नी शुरू करते हुए, क्योंकि कल रात, इनफैक्ट 2-3 दिनों से बहुत तेज़ बारिश हो रही है यहाँ सिक्किम में, जिसके कारण बहुत सारा लैंडस्लाइड हो गया। तो अब हम सब जाएंगे कालिमपोंग और वापसी की जर्नी हो जाएगी शुरू। तो गाइज, रावांगला से अब हम सब निकल रहे हैं कालिमपोंग की ओर, और रास्ते में कुछ साइट सीइंग स्पॉट्स हैं जो कि कवर करते हुए चलेंगे हम सब। और ये प्रेयर फ्लैग लगा लिया अपने गाड़ी में यार, ने दूर आ करके लगाना, इट गिव्स अ गुड एंड ग्रेट फीलिंग। तो टाइम इज़ 8:15 और मौसम बहुत ही प्यारा हो रखा है, ठंड है हल्की हल्की, धुंध है हल्की हल्की। क्या इधर बंद है, क्या रास्ता? इधर बस रास्ता बंद है। कौन सा जगह जाना है? कालिंगपोंग। हाँ, कालिंगपोंग तो उस साइड से जाइए ना। ये बंद है इधर पक्का? ये रास्ता बंद है। अच्छा ठीक है, मैं रोक करके आता हूँ। रुकिए, यहीं रुकिए, रास्ता बंद है आगे। रास्ता बंद है इधर। तो रात की लैंडस्लाइड के कारण हो गया है रास्ता बंद, तो वापस। प्लीज स्टॉप ऑन दिस रोड फॉर अ मैग्निफिशेंट व्यू ऑफ माउंट खांगचैंग जो ना 8,586 meters। तो भाई ये रास्ते से हम लोग रात को आए थे, तो अभी जाने के वक्त मिलेगा हमें इन चोटियों का नज़ारा। ग्लव्स पूरी तरह से गीली हो चुकी है और ठंड भी पूरी तरह से अपना प्रकोप दिखा रहा है। हाथ तो लग रहे हो गए सुन्न। तो भाई लोग, हम सब रुक गए यहाँ पे, आप देख सकते हो पीछे नजारा, इधर भी इधर भी इधर भी, और यहाँ थोड़ा फोटो वोटो खींच लिया जाए। बिट्टू भाई अभी तक उतर नहीं रहे हैं बाइक। बहुत ही प्यारा नजारा, आप देख सकते हो चारों ओर फॉग ही फॉग है। सो गाइस, ये देखो, मतलब नजर भी नहीं आ रहा, क्या दिखाऊं, पूरा फॉग ही फॉग है। और यहाँ हमने बहुत सारी फोटोज वगैरह निकाली। चलो चला जाए, ऑल सेट, मजा आया एकदम भरपूर। तो बिट्टू भैया कैसा लग रहा है? बादल ही बादल, बादलों के बीच। पीछे एक बोर्ड देखा जहां लिखा हुआ था कि कोई तो पीक नजर आएगी, पर ऐसे माहौल में और ऐसे बादलों के बीच तो भाई पीक क्या, सामने तो 10 फीट भी नहीं नज़र आ रहा, तो पीक तो भूल ही जाओ। कैमरे को तो बंद करने का 1% भी मन नहीं कर रहा है, और ना ही करूँगा। हाँ, ये देखो यार क्या नज़ारा है। सो गाइज, इमेजिन रात के अंधेरे में इस रास्ते से हम सब आए थे यहाँ पे। एक साइड आप देख सकते हो तो बड़ी सी खाई, और दूसरा साइड ऐसा है, चाय ब्रेक टाइम, और मैंने फंसा ली है इसको अजीबोगरीब तरीके से। हाथ किसी का काम कर रहा है? हाँ, उसको खोलिए ना भाई। लोग, हम लोग पहुँच गए हैं दामतांग बाज़ार, और यहाँ रुके हैं थोड़ा सा चाय ब्रेक के लिए। मौसम बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुहाना, और हाथ जम गया है मेरा, क्योंकि ग्लव्स था गीला, और मौसम ऐसा ठंड, उसमें बाइक राइड करते करते
हाथ बिल्कुल ही सुन हो गई है। उधर हिमाद्रे भी अपने लगे हुए हैं। तो यहाँ पे भाई लोग सब वाई वाई नूडल्स का मजा उठाते। एक एक बाउल वाई वाई खा लिया और वेट कर रहे हैं दूसरे बाउल का। और हमारे गुरु हुए परेशान, कुछ भी नहीं खाया था रात में। सो ऑल राइट गाइज, ऑल सेट एंड डन। और कुछ भाई लोग मिल गए हैं अभी, जिनके साथ हमें जाना है टेमी टी गार्डन। ओके, सो गाइज नाउ वी आर गोइंग टू टेमी टी स्ट्रेट, जो कि यहाँ से मात्र 6.1 किलोमीटर की दूरी पर है। एंड द रोड इज बिट स्लशी। अमेजिंग अमेजिंग व्यू, पल पल पहाड़ों का जो वेदर है वो, ओ हो माय गॉड, विजिबिलिटी इज लाइक एक्सट्रीमली लो। एनी इशू? नो प्रॉब्लम, बट द रूट इज प्रीटी मच फॉगी। या जस्ट फॉलो द टेल। Yesterday I went to this stardom. Okay. I couldn't see there. Chalo. ठीक है ना? Okay, let's go. Oh guys, so see the view, yaar. Amazing view. We cannot even see like 10 meters or so. Yaar, मजा आ गया. Oof. Oh, look at this view. Oh, awesome. So, all right, guys, we have reached Temi Tea Estate और हमें मिल गए कुछ fellow riders हमारे साथ जो कि ride कर रहे हैं असम से। So, उनसे मिलते थोड़ी देर में, तब तक आप ये view है का मजा उठाओ। तो भाई साहब, कुर्ग ऊटी के बाद अब आप नॉर्थ ईस्ट के टी स्टेट का भी मज़ा ले लो। पहले तो आपने देखा कुर्ग का, चिकमगलूर का और साथ ही साथ ऊटी का, अब यहाँ के चाय का भी मज़ा और जायका आप उठा सकते हो वीडियो के ज़रिए। और ये रही हमारी बाइक जो लाइंड अप है, बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा है यहाँ से। हेलमेट वेलमेट पहन करके आप रेडी हो गए? एकदम रेडी, बाहर से रुके और एकदम निकल जाएंगे हम, तो अभी भी निकल सकते हैं, बाकी के चलते अटके हुए। अबे यार, एक ही चीज तो है मजेदार। जैसा बताया हमारे कुछ राइडर्स मिल गए हमारे साथ। I'm Kalul from Guwahati. So you're riding all the way from Guwahati? Yes. I'm Sumit. And I'm Devnandan from, I'm riding solo from Kolkata. Actually, oh. Sorry, Howrah. Howrah. Yeah. Amazing. So he's also from Howrah. He's also... Yeah, I know. I just made it. So भाई, ऐसे लोगों के साथ मिलकर के, fellow riders के साथ मिलकर के बहुत ही मजा आता है। और ख़ास करके ऐसा मौसम रहे तो चार चांद लग जाती है राइड पे। तो भाई, यहाँ का नज़ारा आपने देख ही लिया, अब फिर आपसे मुलाकात होगी वापस बाइक पे।